वैश्विक क्लाइमेट डिबेट में एडप्शन को उतना महत्व नहीं मिला है जितना मिटिगेशन को। यह उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है जो क्लाइमेट चेंज से अधिक प्रभावित है। भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों के किसानों के लिए क्लाइमेट बड़ी चुनौती है। क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आ रहा है, बेसमय बारिश और बाढ़ या लगातार आ रहे तूफानों से फसलें तबाह हो रही हैं। पेयजल के स्रोत से लेकर अफोर्डेबल हाउसिंग तक सभी को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में मेरे तीन विचार हैं। पहला, एडप्टेशन को हमें अपनी विकास नीतियां और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, टैप वाटर फॉर ऑल, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन और उज्ज्वला क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को एडप्टेशन बेनिफिट्स तो मिले ही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार है। दूसरा, कई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का ज्ञान है। हमारी एडप्टेशन नीतियों में इन पारंपरिक प्रैक्टिसेस को उचित महत्व मिलना चाहिए। ज्ञान का ये प्रवाह नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए स्कूल के सिलेबस में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। लोकल कंडीशन के अनुरूप लाइफस्टाइल्स का संरक्षण भी एडप्टेशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो सकता है। तीसरा, एडप्टेशन के तरीके चाहे लोकल हो कितरु पिछड़े देशों को इनके लिए ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए। लोकल एडप्टेशन के लिए ग्लोबल सपोर्ट की सोच के साथ ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की पहल की थी। मैं सभी देशों को इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।